अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और जी बहुत बहुत ईद मुबारक। अब तो बहुत दिन हो गए हैं लेकिन मैं इतना लेट आप लोगों को विश कर रही हूँ। बस जी मैंने ना कोई वीडियो, मतलब क्लिप्स तो थोड़े बहुत बनाती थी बट ये है कि एडिटिंग और अपलोड नहीं कर रही थी। और आखिरी रमज़ान में भी काफ़ी सारे क्लिप्स पड़े हैं लेकिन वही बात ना, वीडियो बना के एडिटिंग नहीं करके उसे पोस्ट ही नहीं किया। बट एनीवे, यहाँ जी चांद रात का व्लॉग है। यहाँ मैंने बनाए थे कपकेक्स और यहाँ जी मैं थोड़ा सा इनको डेकोरेट कर रही थी। और स्ट्रॉबेरीज हमारे पास थोड़ी थी तो मैंने कहा चलो ऊपर से स्ट्रॉबेरीज लगा देंगे। और चॉकलेट मेरे पास थी नहीं तो उसको ऊपर से, नहीं तो चॉकलेट के साथ भी थोड़ा बहुत डेकोरेट करते, बट नॉर्मल जो होती है व्हिप्ड क्रीम उसके साथ ही डेकोरेट कर रही थी मैं इनको। तो मैंने कहा चलें जी बच्चे थोड़ा सा, अच्छा वैसे मीठा बनता तो नहीं था बनाना बिकॉज़ मेरी फ्रेंड भी इतना लेकर आ गई मीठा। और फिर आपको पता है ना चांद रात से ले स्टार्ट हो जाता है मीठा ही मीठा और फिर ईद के दो तीन दिन मीठा मीठा ही चलता है। बट कब की जो मैं बनाती हूँ ना तो नॉर्मल जो इस क्वान्टिटी की मैं बनाती हूँ 12 से 13 बन जाते हैं और ये पता ही नहीं चलता किधर चले जाते हैं। बाय द वे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं सिंपल वाले ना, तो लेकिन कभी कभार इस तरह के भी खा लें तो चल जाता है। तो बस यहाँ जी मैंने एक ही नोज़ल लगाई हुई थी पाइपिंग बैग और वो उसी के साथ मैं बना रही थी बिकॉज अगर नोज़ल चेंज करो और इतनी क्वांटिटी में होती नहीं है क्रीम तो फिर ना वेस्ट बहुत होती है। अगर आपने ज़्यादा बना रहे हैं क्वान्टिटी में फिर तो आप अपने पाइपिंग बैग्स चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें। तो लेकिन मैंने फिर एक को ही फिल किया था और उसके साथ ही बस मैं कर रही हूँ। हाँ थोड़ा बहुत चेंज करने की ट्राई की थी लेकिन नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी मुझे प्रैक्टिस नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत तो मैं कर ही लेती हूँ केक को डेकोरेट करना ये इस तरह, बट इतनी गैलरी प्रोफेशनल तरीके से तो मुझसे नहीं होता। बट इस तरह ही हुआ था। और ये जी हमारे पास स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलें जिसके ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो सीरियसली एक एक स्लाइस लगने से इतना प्यारा हो गया था ना, ज़बरदस्त हो गया था। और यहाँ जी बस हो गए थे और ये जी मैंने अपनी फ्रेंड को देने थे, भेजने थे, सॉरी देने थे, उनके घर भिजवाने थे तो ये मैंने उनकी प्लेट रेडी कर ली। और यहाँ जी आप सबको मेरी तरफ से अगेन ईद मुबारक। यहाँ चांद रात शुरू हो गई थी और यहाँ जी बस हम ना सुबह हमने सवैया वगैरह खाई, नाश्ता किया प्रॉपर, उसके बाद नमाज़ पढ़ के जब हस्बैंड आए थे उसके बाद सवैया वगैरह खाई और उसके बाद यहाँ हम निकले हैं। बस यहाँ जी हमने इन लॉज की तरफ जाना है उस और उसके बाद जी मम्मा की तरफ है डिनर। तो बस फिर ये जी मेरी फुल लुक है, मैं फुल लुक आप लोगों को दिखाई नहीं, मौका ही नहीं मिला। सुबह भागम भाग में बस किचन समेटा और फिर रेडी शेडी होके बस हम निकलने की हमने। और ये जी मेरा सूट है, मेरा सूट है ये थोड़ा सा शिफोन वाला था तो मैंने कभी, मौसम बहुत अच्छा था इस ईद पर बहुत ही अच्छा था तो मैंने कभी पहन लेते हैं, नॉर्मली इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते ना। इसका दुपट्टा मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लग रहा था और ये मैंने वाइट स्लीपर्स लिए थे तो बस ये पहने। तो मैंने कहा चलें जी आपको फुल लुक दिखाती हूँ, मेहंदी मैंने आपको दिखा दी, मेकअप जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही मैंने किया, बालों को मैंने थोड़ा कर्ल कर लिया। और यहाँ जी मेरी सिस्टर मामा लोग सब रेडी कर रहे थे खाना और यहाँ बनने लगी थी बिरयानी तो मैंने कहा चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ सूरत हाल, बिकॉज़ वो लोग हमारा वेट कर करके जो है ना उन्होंने अपना जो लंच वगैरह कर लिया था लेकिन हम फिर रात ही हमें हो गई थी पहुँचते हुए। तो बस फिर रात के लिए जो है ना प्रॉपर बिरयानी और कौरमा और इसके अलावा जो है उसमें मीठे में सेवैयाँ इस तरह की चीज़ें सारी जो है ना रेडी शेडी हुई हुई थी। और यहाँ जी बस मसाला बनाया और ये बिरयानी को दम मैंने ही खोला था तो यहाँ जी बस मेरी ड्यूटी जो है ना शुरू हो जाती है, सर्विंग की ड्यूटी मेरी ही होती है अपने घर में भी और अम्मा के घर में भी, सबको सर्व मैंने ही करना होता है। तो बस जी तो यहाँ जो है ना आई थिंक मामा के बाद बड़ी फिर मैं ही हूँ, इट्स मीन वो लेडीज़ में बहन भाइयों में किचन के जो है ना जिसने संभाला होता है, अम्मा के बाद मेरी बारी आती है। तो मैंने कहा चले लाई मैं इसे डिश आउट करती हूँ, उसको मैंने मिक्स किया और माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े की बनी थी। मेरी सिस्टर ने जो है ना इसको लेयर्स वगैरह की सारी, इसको दम लगाया, मैंने बस जस्ट इसको खोला था और इसको डिश आउट किया था, बस दैट्स इट। तो आज प्रॉपर बड़े वही ना रमज़ान में मैं आप लोगों से बात की थी कि बहुत कम मौका मिलता है ईद पर, यह मौका मिलता है कि आपकी खूब जो है ना खिदमत होती है। और यहाँ मुझे बिल्कुल नॉर्मली मम्मा के घर जाती हूँ तो मिलजुल के हम खाना बना लेते हैं ना मैं बहन मम्मा, और लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल फुल प्रोटोकॉल मिला था, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, जस्ट मैंने सिर्फ इसकी डिश आउट किया था। और यहाँ बस अभी फ़िलहाल बिरयानी आई थी, रोटियाँ और सालन कौरमा वगैरह भी आना। और यहाँ जी मज़ेदार सा हमने अपना डिनर जो है इन्जॉय किया और आज का दिन तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, यहाँ बस नाश्ते से फारिग हुए थे हम और आज नाश्ते जो है ना आई थिंक दूसरा दिन था और नान चने ही खाए थे और बहुत रश था जब भाई लेने गए ना, बता रहे थे कि बहुत ही रश था। मैंने कहा ईद के दिनों में कोई भी नाश्ते वगैरह घर में बहुत ही कम बनते हैं तो बाहर से ही होता है और वैसे भी पूरे रमज़ान में तो खाए नहीं होते, तो फिर बस पहले दूसरे जो ना पहले दिन तो नहीं खैर दूसरे दिन ईद के ना सभी जो है ना हलवा पूड़ी और नान चने ही खाते हैं। और यहाँ जी
नाश्ता करके फारक वेले तो बस जी यहाँ मैं फ़ोन पे गप्पे शप्पे मार रही थी। एक तो दिन तो जहाँ नहीं कोई मैसेज तो बंदा सबको ही कर देता है लेकिन फ़ोन शून सारी जगह पे नहीं होते, तो अब टाइम निकाल के तो बस मैं वही कर रही थी। और साथ के साथ प्लान बन रहा है कि शाम को क्या करना है, किधर जाना है, और क्योंकि इन दो तीन दिन में और तो कोई काम होता नहीं आने जाने के अलावा, तो यहाँ बस अभी हमारा फिर प्लान बना के चले हम ना जाके बैठे बैठे कभी कोई कहता है आउट ऑफ सिटी चलते हैं डिनर करके आते हैं, तो मैंने कहा नहीं आउट ऑफ सिटी नहीं चलते, तो यहीं जाते हैं और कोल्ड कॉफ़ी ना इंजॉय करके आते हैं, कुछ सैंडविचेस खा लेते हैं क्योंकि शाम का टाइम था। बट जी आपको पता है ख़वातीन जब तैयारी करनी शुरू करती हैं ना तो शाम से रात हो जाती है, और हमारा प्लान था 6-7 बजे का लेकिन हमें यहाँ 9 बज गए थे। बस हमने जो है ना हल्का फुल्का तैयारी स्टार्ट की थी, मतलब तैयार होते हुए इतना टाइम लग गया, और फिर जी फ़ोटोशूट सबसे मेन चीज़ जो होती ईद पर होती है ना कि फ़ोटोशूट तो करना ही करना है ना, तो उसमें इतना टाइम लग गया कि 9:30 हमें घर ही बज के, मतलब वो टाइम रहा ही नहीं ना कि जाया जाए और क्या कहते हैं कि जाके कुछ हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट कर ली जाए, वो भी डिनर के टाइम हो गया था। यहाँ मैं आ गई वॉशरूम में और यहाँ मैंने अपना मोबाइल रखा और मैंने कहा चले मैं ना साथ रिकॉर्ड करती हूँ, बट अभी मैंने इसकी स्पीड इतनी तेज़ कर दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और कोई इतने स्पेशल कोई ख़ास 3 दिन के जो इवेंट थे नहीं क्लिप, जो कि मैं 3 दिन के अलग अलग बनाती, मैंने कहा चलो उसको एक ही में ना मर्ज कर देते हैं। और यहाँ जी बस मैं कह रही हूँ मैंने बेस लगा ली है और उसके बाद मैंने आईज़ पे लाइनर लगाया है और क्या आईब्रोज बना ली, नॉर्मल जो मेन चीज़ें होती हैं मेन काम होते हैं वो मैंने कर लिए। अच्छा जी यहाँ कंसीलर को मैंने थोड़ी देर छोड़ दी, जो कंसीलर को थोड़ी देर से लगा कर छोड़ दें और फिर उसको जो है ना आप सेट शट कर लें और उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर से टैप टैप कर लें। और यहाँ जी गर्दन को तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि फिर आपके जो है ना बहुत ज़्यादा फील होता है कि आपने मुंह पे बहुत ज़्यादा लगाया होता है, अगर आप अपने कलर से 1-2 नंबर लाइट यूज़ करते हो फाउंडेशन, अगर आपका सेम मैच है फिर तो आई थिंक इतना नहीं पता चलता। तो बस मैंने भी हल्का फुल्का लगा लिया है और यहाँ जी बस मैंने जो नाइस आईब्रोज पे लगाया है अपना मस्कारा और उसके बाद जी बाल मेरे कल के ही कर्ल हैं, मैंने आज बाल अपने हेड वॉश नहीं किया, बस उनको थोड़ा बहुत दोबारा जो ना हल्का फुल्का स्ट्रेटनर से कर लिया है, आई थिंक अभी मैंने करने हैं, ये उससे पहले के हैं, ये कल के ही हैं और अभी तक जो है ना ये लूज़ नहीं हुए, तो थोड़े बहुत भी मैंने जाते हुए जो है ना कर लिए थे। अच्छा जी कल मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी थी बट आज मैंने जो ना चूड़ियाँ, मेरे पास ना 3-4 कलर्स की चूड़ियाँ आई थिंक मेरे पास 2-2.5 साल पहले की हैं, तो वो मेरे हर सूट के साथ मैच हो जाती हैं। आई थिंक मेरे सूटों का कलर ही शायद ऐसा होता है कि उसमें से 1-2 कलर लाजमी मैच होता है, तो इससे पहले जो ब्लू वाला सूट पहना था ना उसके दुपट्टे में ऑरेंज सा येलो सा था वो कलर मैच हो गया था, और आज भी जो मैंने पहना है ना उसके साथ भी परफेक्टली मैच हो रहा है। तो मतलब 2-3 वैसे मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो फर्स्ट डे तो मैंने नहीं पहनी, तो आज मेरा जो सूट है ना उसके बाजू थोड़े से 3/4 हैं, तो मैंने कहा चैलेंज, और वैसे भी कलर्स मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और यहाँ जी हमने भर भर के ब्लश लगा लिए, जो कि तस्वीरों में हमारा ब्लश नज़र नहीं आता तो हमें भर भर के लगाना पड़ता है, पता नहीं उड़ जाता है क्या हो जाता है, लिपस्टिक भी गायब हो जाती है और ब्लश भी हमारा गायब हो जाता है। यहाँ सेटिंग स्प्रे की है और थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया है और थोड़ा सा इसको कर दिया है, अब हम लगाएंगे हाईलाइटर। हाईलाइटर जो ना मैं लास्ट में लगाती हूँ सेटिंग स्प्रे करने के बाद, उससे पहले मैं नहीं लगाती, उससे फिर मुझे लगता है कि वो ना डल सा हो जाता है, सेटिंग स्प्रे लगाने से पहले अगर आप अप्लाई कर लो ना जो पाउडर फॉर्म में होता है, तो फिर मैं बाद में लगाती हूँ। बस यहाँ जो हमने जो अपना बाकी क्या कर रही हूँ मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, मैं करके रही हूँ। हाँ जी जी आई लैशेस पे जो ना मस्कारा लगा रही हूँ क्योंकि उसको 2-3 कोट करने पड़ते हैं, फिर आपको पता लगता है कि आपकी आंखों पे लैशेस भी हैं। तो ये जी हम हो गए हैं रेडी शेड्यूल, ये मेरे सेकंड डे का आउटफिट था और ये शूज़ मेरी सिस्टर के थे, तो उसने जब अपनी कबर्ड खोली ना तैयार हो रही थी तो मुझे नज़र आई, लास्ट डे हमने मेट्रो से लिए थे तो मुझे लग रहा था कि मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहे, बट मैंने पहने नहीं थे बिकॉज मेरे इस ड्रेस के साथ मेरा खुद सा परफेक्टली मैच हो रहा था, तो मुझे वही पहनना था, तो मैंने कहा चलो, उसने मुझे कहा पहन जो, मैं कहा नहीं मुझे हील नहीं पहननी आज, और तो बस फिर मैंने अपना खुस्सा ही लास्ट में पहना था। तो ये मैंने बस इसकी तस्वीरें वीडियो बनाई क्लिप बनाया और मैंने जो है ना कर दी क्योंकि गोल्डन शैम्पेन से कलर का मेरा खुस्सा था तो वही मुझे अच्छा लग रहा था इस ड्रेस के साथ। और बस यहाँ जी हम निकले और ये 10 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है और पता नहीं अभी हमें क्या मिलना, मिल तो जाएगा क्योंकि ईद के दिन है तो खाना पीना तो मिल ही जाएगा। तो बस हमने टॉप प्रूफ पे था सोचा हुआ था कि वहाँ जाएंगे कोई सैंडविचेस या फिर कोल्ड कॉफ़ी या आइसक्रीम इस तरह के रिफ़्रेशमेंट ख़ुद भी कर लेंगे, बच्चों के साथ भी इंजॉय कर लेंगे, बट फिर ये था कि हमारा जो है ना प्लान फिर वहाँ से रिफ़्रेशमेंट से ना हल्के फुल्के खाने भी हो गया क्योंकि दोपहर को भी हमने लंच कर लिया था, नाश्ता भी हैवी था और इसलिए ज़्यादा हमने कुछ खाना नहीं था। और तो बस फिर यहाँ हम पहुँचे और यहाँ जी हमें वो वाला सीन मिला इस्लामाबाद में जब पीर साहब आ जाते थे, सीरियसली वहाँ पे
रिज़र्व करवाई हुई है तो कोई मसला नहीं। अगर आप अचानक चले गए ना, मतलब यूं चले गए तो आपको खड़े होना पड़ता था, और लाहौर के गौर में। अब तो मुझे नहीं पता, बहुत टाइम हो गया मैं गौर में नहीं गई, लेकिन जब ये 6-7 साल पहले गौर में जब स्टार्ट हुआ था लाहौर में रेस्टोरेंट, तो इसके बाहर इतनी लंबी लाइन होती थी, इतनी लंबी लाइन होती थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी। यूँ होता था जैसे कोई ना चीज़ मिल रही है फ्री में। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ थी। यहाँ हमें 20 से 25 मिनट जो है ना वेट करना पड़ा, और सीरियसली मौसम अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा था ना यहाँ का, टॉप रूफ था, आई थिंक ये फोर्थ उसका फ्लोर था और ये ओपन था। इतनी ठंडी हवा थी, इतनी मज़े का मौसम था ना, सच्ची ईद बहुत अच्छी गुजरी है। इससे पहले भी मौसम बहुत अच्छा रहा, और ईद के फिर बाकी तीसरे चौथे दिन भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मौसम रहा था। और मैं सोच रही थी कि मैंने बहुत अच्छा किया जो मैंने ये फैंटी सूट पहनी, क्योंकि फैंसी सूट ना मेरा 2-3 साल पहले का था, उसको स्टिच मैंने इस साल करवाया था मार्च में, ठीक है। और मैंने कहा चले पहन लेती हूँ, पर जितनी चीज़ पुरानी हो जाती है ना, बेशक आपने नहीं भी सिलाई की हुई, नहीं भी पहनी हुई, टैग भी लगा, वो फिर आप देख देख के ही ना दिल भर जाता है, फिर आपको वो नई नहीं लगती, नई वाली फीलिंग नहीं आती। पिछले साल की जब हम नई चीज़ रख लेते हैं, अगले साल हम कहते हैं अगले साल पहनेंगे, तो वो देख देख कितनी वो हुई हुई होती है कि आपको दिल नहीं करता, हालांकि वो यूज़ नहीं हुए होते लेकिन वो आपको पुराने ही लगते हैं। इसलिए जो ना मैं कपड़े लेके रखती नहीं हूँ, बाई चांस लिया हुआ नया जो रेडी टू वेयर होता है वो बच जाता है। वैसे अनस्टिच में बिल्कुल भी नहीं लेके रखती, बेशक मुझे सेल में से क्यों ना मिले, मैं जो होता है कि टाइम की टाइम नया कपड़ा लेना, उसकी बड़ी एक्साइटमेंट होती है। यहाँ जी हमने कढ़ाई मंगा ली थी और साथ बारबेक्यू था, और यहाँ जी अभी हम रहता शहता लगा के लगे हैं खाने, और इतने टाइम के बाद अच्छा हमने इतना वेट भी किया, फिर हमने अपना फ़ोटोशूट भी यहाँ बनवा ली, क्लिक कर ली, और उसके बाद फाइनली जी फिर अभी हमें जो है ना हम लगे हैं जी खाना खाने। और यहाँ हालतें हवा बहुत अच्छी थी, बालों की देख लें क्या हो गई है, उजड़ पुजड़ गए हैं। और यहाँ जी ये देखें चूड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये चूड़ियाँ जो है ना मेरी पिछली ईद पर भी मैंने पहनी थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी बीच में गोल्डन मिक्स कर ली थी। और बस जी यहाँ भी हमने इंजॉय किया अपना मील, गप्पे शप्पे मारी, बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। और अभी तो दिल कर रहा था कि अभी भी लोग जब हम गए हैं 11, 11:30, 12 बजे के बाद बहुत रश होना शुरू हो गया था, बिकॉज़ ये होता है ना कि लोग मतलब अपनी फैमिली रिलेटिव्स को तो पहले दिन मिल लेते हैं, दूसरे दिन तो फ्री होते हैं, फिर ये होता है कि आउटिंग के लिए बाहर चलते हैं, बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है, ख़ुद भी हमने रमज़ान में रोज़े रखे हुए होते हैं, घर में ही रहे होते हैं, और कोई इतना इस तरह की आउटिंग नहीं हुई होती, तो इन दिनों में बड़ा मज़ा आता है। बकरा ईद भी तो होता है ना, हर एक के घर में मुरंग मुसलम बन रहे होते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर जाने की। ये जितनी अच्छी लाइटिंग थी यहाँ पे, मैंने थोड़ा सी क्लिप बनाए, तो बस फिर अभी हमने खाना खाया, और फिर कॉफ़ी नहीं पी हमने क्योंकि खाना खा लिया, और मैंने कहा चलें घर जाकर चाय पीते हैं कुछ फोकुल। और ये है जी ईद का थर्ड डे, और ईद के थर्ड डे मैंने ये वाला स्टिच करवाया था। अच्छा मैं लाइट कलर ले लेती हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते। और तो ये इसके साथ ना जो खाड़ी नेट टाइप का दुपट्टा था, और ये शर्ट थी, और उसका प्रिंटेड ट्राउज़र था। ये सफ़ायर का ना हिट कोड था, मतलब बड़ी मुश्किलों से ही मुझे मिला 2-3 दफ़ा रीस्टॉक होने के बाद, बट ये था कि मुझे ना कोई इतना ख़ास नहीं लगा। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये ठीक है, लाइट कलर है, मतलब बड़ा अम्मियों वाला कलर की फीलिंग इसको आती है ना, तो पता नहीं क्यों इतना हिट कोट था, बट एनीवे बस लिया, स्टिच करवाया, पहन लिया। यहाँ जी फोर्थ डे, और यहाँ हमारी वापसी है घर, और यहाँ मैंने ये ड्रेस पहना था पिछली ईद वाला घर में, आज चौथा दिन था तो अब पुराने कपड़े पहने थे। चलें जी आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिप में ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। छोटा सा व्लॉग था, छोटे मोटे क्लिप्स थे 3-4 दिन के। और यहाँ जी टेक शॉप पर रुके थे हम, ये तो लाजमी कोटा पूरा करना होता है ना बच्चों ने, तो फिर अगला सफ़र तय करना होता है, तो यहाँ से हमने कॉफ़ी ली और उसके बाद ही अपना बाकी का सफ़र किया। चलें जी आपसे मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।